हाय, आज हम आए हैं महिंद्रा एक्सयूवी को देखने के लिए, तो चलते हैं शोरूम के अंदर और कार को फुल ऑन एक्सप्लोर करते हैं। आइए मेरे साथ। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज हम आपके लिए लेके आए हैं XUV700, बहुत एंटिसिपेटेड कार है ये, बहुत वेट किया है आपने इस गाड़ी का। हम आपके पास बहुत सारे वीडियोस लेके आए हैं इस कार के और हर वीडियो को आपने बहुत लाइक किया, उससे हमें आइडिया हुआ कि ये कार कितनी डिमांड में है। अब फाइनली ये गाड़ी शोरूम्स में आ चुकी है, आपको बुकिंग रिकॉर्ड्स आपके इसके पता ही हैं। फर्स्ट डे में जब इसकी बुकिंग को ओपन किया गया तो 57 मिनट्स में इसने 25,000 की बुकिंग को क्रॉस किया। तो आइडिया लगा लीजिए कि लोगों का क्रेज़ क्या है इस कार को लेकर। तो आज हम बात करेंगे इस कार के एक्सटीरियर की, इंटीरियर की, इसके इंजन की, और उसके बाद इस कार को रोड पे भगा के देखेंगे, दौड़ा के देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे कि अपनी परफॉर्मेंस को ये जस्टिफाई करती है या नहीं। इसके प्राइस के बारे में भी बात करेंगे कि प्राइस वाइज ये कार अपने आप को फुलफ़िल कर रही है या कहीं लैक करती है। तो स्टार्ट करेंगे अब एक्सटीरियर को, हम स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल में आपको सबसे पहले जो नोटिस में आएगा वो है इसका चेंज लोगो, जो बहुत स्मार्ट लग रहा है। सॉर्ट ऑफ आपको ये एम का विजन देता है, बहुत स्मार्ट लग रहा है। ये जो ग्रिल स्ट्रक्चर है इसमें सिल्वर एंड ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है, बहुत क्लासी सी, एलिगेंट सी इसकी ग्रिल लग रही है। अगर हम हेडलैम्प स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर क्लियर LED हेडलैम्प का यूज़ किया गया है अलॉन्ग विद दिस एक्सटेंडेड DRL। यहाँ पर आपको इसका कैमरा दिया गया है, नंबर प्लेट की जगह है, नीचे आपके पास रेडिएटर ग्रिल दिया गया है, साइड में आपके पास वेंट्स हैं एंड दीज आर नॉट फेक, दीज आर ऑपरेशनल, और इन वेंट्स के साथ ही आपके फॉग लैंप्स दिए गए हैं। अगर हम फ्रंट लुक की इन टोटल बात करें तो फ्रंट लुक इसका बहुत अग्रेसिव लग रहा है, बहुत मस्कुलर सा लग रहा है और सीरियसली नो डाउट कार बहुत एलिगेंट लग रही है। आप चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पर। साइड प्रोफाइल में आपके पास 18 इंचेस ड्यूअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। ये है आपका ORVM अलॉन्ग विद LED स्ट्रिप। ORVM में आपको नीचे यहाँ पे कैमरा दिया गया है, ये कार आपको 360 डिग्री पार्किंग कवरेज देती है। यहाँ पर आपको स्मार्ट डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जैसे आप अपनी कार को ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो ये आप इस की हेल्प से करेंगे, और अगर आपने मैनुअल कार ली तो यहाँ पर आपको इस साइड में प्रेस करना और ये आपके डोर्स बाहर आ जाएंगे। तो ये बहुत स्मार्ट है, महिंद्रा इसको स्मार्ट डोर हैंडल कहती है क्योंकि ये पूरा फ्लश ऑन हो जाता है बॉडी के साथ, तो आपको एज सच कोई अलग से डोर जैसी फीलिंग नहीं आएगी। थोड़ा सा लोकल फीलिंग को हटाने के लिए बहुत स्मार्ट स्टेप लिया गया है। पीछे आपका फ्यूल टैंक है, इस टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर और आपको इन एंड एवरेज जो आप एवरेज इस कार में से निकाल पाएंगे वो 13 से 16 है। यहाँ पर इसमें एड्रीनॉक्स मेंशन किया गया है, एड्रीनॉक्स का मतलब ये है कि इस कार के अंदर स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है। वो कैसे है आपको कार के अंदर मैं बताऊंगी, उससे पहले चलते हैं हम इस कार के बैक प्रोफाइल पर। बैक प्रोफाइल की जब हम बात करेंगे तो बैक प्रोफाइल भी इसका इक्वली उतना ही अट्रैक्टिव है जितना फ्रंट था, जितना साइड्स है। इस कार को इन्होंने हर तरीके से, हर साइड से बहुत ही अग्रेशन प्रोवाइड किया है, बहुत एजी लग रही है आपको, बहुत फ्रेश सी कार लगेगी। मतलब इस सेगमेंट में आपको बहुत प्यारी सी, प्यारी तो नहीं वर्ड मुझको बोलना चाहिए, थोड़ी मस्कुलर सी, मतलब अपने रेट को फुल ऑन जस्टिफाई करने वाली गाड़ी है एज़ पर लुक्स। परफॉर्मेंस हम बाद में चेक करेंगे, अभी हम लुक्स की बात कर रहे हैं। सबसे ऊपर आपके पास शार्क फिन एंटीना दिया गया है, आपके पास रूफ रेल्स दिए गए हैं, दिस इज़ योर स्पॉयलर, ये आपकी बैक लाइट है, दिस इज़ योर डिफॉगर, वाइपर है आपके पास, अगेन महिंद्रा का बहुत स्मार्ट सा लोगो है यहाँ पर। रिवर्स कैमरा यहाँ पर दिया गया है, नीचे पार्किंग सेंसर्स आपके पास है, नंबर प्लेट की जगह है, XUV700 ये गाड़ी का नाम है। यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है AX7L, L आपका रिप्रेजेंट करता है लग्जरी पैक के साथ है ये, इसमें आपके पास प्लेन वाला भी आता है, और इस लग्जरी पैक में आपके पास अभी ऑल व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आ चुका है। दीज आर योर LED टेल लैंप्स अलॉन्ग विद द सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, और आज आपकी स्किड प्लेट है वो डार्क ग्रे एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में दी गई है, अगेन इसको बहुत एलिगेंस और क्लास प्रोवाइड कर रही है।
स्पेयर व्हील आपको कार के नीचे दिया गया है विच इज ऑफ इक्वल साइज, लेकिन वो आपको स्टील रिम्स के साथ मिलेगा, नॉट विद अलॉयज। अब चलते हैं कार के बूट में। बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास डिसेंट साइज बूट स्पेस है। दिस कार इज 7 सीटर। अगर आप अपनी सीट्स को अप कर लेंगे तो आपके पास थोड़ा सा स्टोरेज आपको कम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको डाउन करते हैं तो आप इनफ बूट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास टूल किट दिया गया है। अब हम एक्सपीरियंस करेंगे इस कार के सिटिंग एंड कम्फर्ट को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बैक से, फिर हम जाएंगे रियर पे एंड फाइनली फ्रंट सीट्स पे। चलिए, इस कार में आपको बूट मैनुअल ओपनिंग के साथ मिलता है। मुझे सबसे स्मार्ट इस कार में इसके ये स्मार्ट डोर हैंडल्स लगे, जो इस सेगमेंट में बहुत नई सी चीज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको यूजुअली ऐसे डोर हैंडल्स नहीं देखने को मिलते हैं इस रेंज के अंदर। कार में एंटर करने से पहले मैं आपको इसका रियर डोर एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे ऊपर यहाँ पर ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, फिर यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया गया है ऑफ वाइट कलर में। सिल्वर डोर हैंडल्स आपके पास है। ब्लैक पियानो फिनिश में आपके पास ग्रैब हैंडल दिया गया है। ये आपके पास पावर विंडो का ऑप्शन है। अगेन ये पूरा वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ये ब्लैक पियानो फिनिश में है। नीचे आपके पास बॉटल होल्डर दिया गया है और ये है आपके पास स्पीकर। इस कार के अंदर आपके पास 12 स्पीकर सिस्टम है विच इज़ पावर्ड बाय एड्रेनॉक्स। 3D साउंड को इंजॉय करेंगे आप इस गाड़ी के अंदर। बैक सीट पे जाने के लिए आपको इसको सिंगल ऐसे प्रेस करना है और ये आपका ओपन हो जाएगा और आपके पास इजी एक्सेस है पीछे जाने की। देखिए, अगर हम सबसे लास्ट सीट में कंफर्ट की बात करेंगे तो ये सिटिंग बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा नी रूम का इशू होगा। अभी मैंने इसको पूरा अप किया हुआ है तो मेरे लिए बहुत ईजी है, लेकिन अगर ये सीट पीछे आती है, सपोज़ मैं यहाँ बैठ के आपको दिखाती हूँ, तो भी आपको एज सच बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफोकेशन फील नहीं होगा। आप बेटर फील करेंगे, मतलब एज़ कम्पेयर टू बाकी वाली कार मुझे थोड़ा सा ये एयरी लग रहा है, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग सा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा हेड रूम है। और नी रूम में थोड़ा सा अगर ये कार की सीट थोड़ी सी आगे हो जाएगी तो आप पीछे भी बैठ के इन्जॉय करेंगे। आपको बैक साइड में भी AC वेंट्स दिए गए हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए। आपके पास ब्लोअर को एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है यहाँ पर और बॉटल होल्डर दिया गया है, तो जो लोग पीछे बैठेंगे उनके लिए भी चीज़ों का ध्यान रखा गया, उनकी फैसिलिटीज़ उनको दी गई है। और जो लास्ट में बैठ के आपको एयरी फील आने का रीज़न है वो ये है कि जो विजिबिलिटी है कार की, जो ये ग्लासेस वगैरह है, वो इस तरीके से प्लेस किए गए हैं कि आपको सफोकेशन फील नहीं होगा, बेटर फील करेंगे पीछे बैठ के। अब बात करेंगे रियर सीट कंफर्ट की। यस, नो डाउट बैक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। ऑब्वियसली अच्छा खासा रिक्लिनेशन है आपके पास, बहुत कंफर्टेबली आप बैठेंगे। गुड क्वालिटी लेदर का इसमें यूज़ किया गया है, आपको वो हर चीज़ फील होगी। एज अगर कोई चीज़ सुप्रीम क्वालिटी है तो उसका आपको टच ही फील होगा कि यस क्वालिटी इज़ गुड। और अगर आप इसमें 5 जने बैठते हैं, सेंटर में भी कोई बैठ के आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, तो उसको भी यस नो डाउट कंफर्टेबल फील होगा। ये है आपका आर्मरेस्ट जिसके अंदर आपको ट्विन कप होल्डर दिया गया है। सेंटर में आपके पास AC वेंट्स दिए गए हैं और उसको सराउंड किया गया है सिल्वर से, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। यहाँ पर बहुत छोटी सी स्टोरेज है, मुझे पता नहीं क्या रख सकते, अपना मोबाइल वैसे आधा इसमें अटका सकते हैं आप। और यहाँ पर आपके पास Type-C चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पर आपके पास मैगजीन होल्डर दिया गया है, लाइट का ऑप्शन है, अगेन ग्रैब हैंडल है, आइसोफिक्स स्टाइल माउंट का ऑप्शन भी यहाँ पर गिवन है। अब चलते हैं कार के फ्रंट सीट्स पे। फ्रंट डोर की अगर हम बात करें तो अगेन इसके अंदर आपका प्लास्टिक का, सॉफ्ट टचेस का एंड लेदर का बहुत स्मार्ट यूज़ किया गया है। ब्लैक पियानो फिनिश दिया गया है जहाँ पर भी वो रिक्वायर्ड है। ये जो आपको प्लेसमेंट दिया गया है अपनी सीट एडजस्टमेंट की, ये आपको मर्सिडीज़ की कार्स में मिलता है, तो महिंद्रा ने बहुत बहुत स्मार्टली चीज़ों को यूज़ किया है यहाँ पर, तो आपको बहुत प्रीमियम सी फील कराने के लिए है ये। इसकी जो सीट्स हैं दीज आर 6-way इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, और इसमें आप 3 लोगों के लिए अपनी मेमोरी को सेट कर सकते हैं। सिल्वर डोर हैंडल्स हैं आपके पास। यहाँ पर आपके पास पावर विंडो के ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपकी ड्राइवर सीट है वो सिंगल पुश अप एंड डाउन ऑप्शन के साथ आती है। ये आपके पास लॉक अनलॉक के लिए दिया गया है, एक ही बटन से आप लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। ये आपका चाइल्ड लॉक के लिए दिया गया है, ये आपके पास ORVM के लिए है। अब चलते हैं कार के अंदर। कार के अंदर बैठते ही जो सबसे पहली चीज़ आपके नोटिस में आती है, वैसे मैं हमेशा सिटिंग कंफर्ट की बात करती हूँ, लेकिन XUV700 में बैठते ही आप इसका एम्बियंस एंजॉय करेंगे,
बहुत लग्जूरियस सी फीलिंग आपको आने वाली है, और स्पेशली ये अट्रैक्शन आपको दे रहा है जो इसका इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इतना ह्यूज साइज स्क्रीन है इसका, बहुत मतलब सुप्रीम फीलिंग आपको आने वाली है, बहुत रॉयलनेस आपको फील कराएगा ये। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट यार सच में इसी से करूँगी जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इन्होंने दोनों को क्लब अप कर दिया है, दोनों यूनिट्स को इंटीग्रेट किया है, जो सबसे मेन अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है इसके डैशबोर्ड को भी और इस कार के इंटीरियर को भी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी 10.25 इंचेस का है और जो आपका इंफोटेनमेंट है वो भी आपका 10.25 इंचेस का है। बीच में जो आपको ये पार्ट दिया गया है ये आपका डेड स्क्रीन है, लेकिन ये बहुत एलिगेंस प्रोवाइड कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका स्पीडोमीटर है, ये आपका आरपीएम मीटर है, बीच में आपका एमआईडी है जो आपको कार से रिलेटेड सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा, लाइक योर डायट्रॉनिक्स, कितनी आपकी एवरेज है, ट्रिप, एवरीथिंग। और जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, अगर आप उसे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो उसमें महिंद्रा का ये स्मार्ट सा लोगो आपको दिखाई देगा जो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अंदर आपके बेसिक सारी फंक्शंस दिए गए हैं, लाइक योर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, एवरीथिंग सब लोडेड है इस व्हीकल के अंदर। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपका एड्रेनॉक्स मेंशन्ड है। एड्रेनॉक्स आपका स्मार्ट AI है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपका म्यूजिक सिस्टम, कार के सारे फंक्शंस, ADAS, एवरीथिंग सबको पावर करता है आपका एड्रेनॉक्स। मीन्स यू कैन सिंपली से एवरीथिंग इन दिस XUV700 इज पावर्ड बाय एड्रेनॉक्स। चलिए अब आ जाती हूँ फाइनली मैं स्टेयरिंग के ऊपर। इसका लेदर रैप्ड 3-spoke स्टेयरिंग है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वॉल्यूम कमांड है, फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको क्रूज कंट्रोल दिया गया है और अपने MID को भी आप यहीं से ऑपरेट करेंगे लाइक दिस। लेफ्ट हैंड साइड में आपको लीवर दिया गया है वाइपर के लिए, राइट हैंड साइड में आपको लीवर दिया गया है हेडलैम्प के लिए, एंड दीज बोथ आर ऑटोमेटिक। इस साइड में आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये आपका हिल असिस्ट के लिए दिया गया है। इससे आप अपने लाइट का लेवलिंग को सेट कर सकते हैं, इल्यूमिनेशन को। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये इंटीग्रेटेड यूनिट है जो सबसे मेन अट्रैक्शन है। मज़ा आ गया मुझे इसे देखकर। उसके नीचे आपके पास AC वेंट्स दिए गए हैं जिनको सिल्वर से सराउंड किया गया, बहुत अच्छा लग रहा है ये। उसके नीचे आपके पास AC कंट्रोल्स दिए गए हैं। उसके नीचे आपके पास ये बटन्स दिए गए हैं जिसमें से जो ये तीन है ये आपके बटन नहीं है, ये आपके वार्निंग के लिए हैं कि जो ब्लिंक करेंगे, जैसे आपने अगर बेल्ट नहीं पहनी है तो ये ब्लिंक करेगा, आपके एयर बैग ऑफ है तो ये होंगे ऑन। यहाँ पर आपके पास ये हजार्ड के लिए दिया गया है, ये आपका 360° कैमरा के लिए है। कैमरा क्लैरिटी चेक कर लीजिए, कैमरा क्लैरिटी नो डाउट इज वेरी गुड, आपको बहुत क्लियरली दिखाई देंगी चीज़ें। अभी आप देख सकते हैं पूरा शोरूम का आपको विजिबिलिटी बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रही है। ये वाला जो बटन है ये आपका स्क्रीन सेवर एनेबल्ड और डिसेबल करने के लिए है। तो अगर आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली महिंद्रा का लोगो आ जाएगा, तो बेसिकली वो स्क्रीन सेवर की तरह काम कर रहा है। उसके नीचे आपके पास वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, दो आपके पास USB पोर्ट दिए गए हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज है जो थोड़ा सा डीप है, तो आप अपना कुछ भी सामान यहाँ पे रख सकते हैं। काफ़ी ठीक ठाक सी स्टोरेज लग रही है मुझे, खुफिया सी स्टोरेज है यहाँ पे। ये है इसका गियर लीवर, इसके अंदर 6-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का यूज़ किया गया है। उसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो मैं आपको ड्राइव के टाइम पर बताऊँगी। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक दिया गया है, एंड दिस इज फॉर ऑटो होल्ड। यहाँ पर जो आपको डायल दिया गया है ये आपका वॉल्यूम के लिए, कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप स्क्रीन में वॉल्यूम का कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम आप सिंपली यहाँ से ऑपरेट करेंगे। उसके साथ ही आपको 4 बटन दिए गए हैं, जैसे आप अपना फ़ोन को ऑपरेट करना है, आपको बैक बटन के लिए दिया गया है, म्यूजिक कंट्रोल के लिए दिया गया है, और ये आपका स्टार बटन है। इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, वो है इसका स्काई रूफ। देखिए कितना ह्यूज है ये। यहाँ पर आपके पास ट्विन कप होल्डर है, और जो ये पूरा पैनल है इसमें ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है, तो कार को बहुत एलिगेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है जिसमें महिंद्रा फुल ऑन स्कोर करता है। मैं तो बिल्कुल मतलब आई एम टोटली इन लव विद दिस कार, मज़ा आ गया है मुझे। कि आपको उम्मीद थी कि XUV700 ऐसी होगी, लेकिन सीरियसली ये जस्टिफाई कर रही है गाड़ी अपने प्राइस को, अपने फीचर्स को, अपने लुक को। जो चीज़ें आपको 70-80 लाख की गाड़ियों में मिलती है वो इस कार के अंदर लोडेड है। ये है इसका हैंड रेस्ट, और इसके अंदर आपके पास आपकी की रखने की जगह है लाइक दिस, जो बहुत स्मार्ट लग रहा है। और उसके नीचे आपके पास छोटी सी स्टोरेज और दी गई है।
तो आप अपनी की को यहाँ रखिए और इसे बंद कर दीजिए। लेकिन जैसे मेरे जैसे लोग भूल जाते हो तो अपनी की को यहाँ पे मत रखना यार, अपनी यहीं पे रख दो। ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें तो ग्लव बॉक्स अगेन बहुत डिसेंट साइज का है, अच्छा खासा अपना सामान रख सकते हैं। महिंद्रा की बुकलेट रखने के बाद भी आपके पास काफ़ी जगह है इसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन की। जो वेरिएंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये है AX7 लग्जरी पैक, जिसकी सबसे ज़्यादा बुकिंग हो रही है, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है। जिन भी मेन फीचर्स की हमने आज तक आपको बात बताई है, लाइक एडास जिसमें आपका कोलिजन से रोकता है, आपको पेडेस्ट्रियन लोगों को बचाता है एक्सीडेंट से, जो भी मेन सारे सेफ्टी फीचर्स से लोडेड है वो है ये वाला पैक, और इसी को सबसे ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। तो अब जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, AX3 AX5 की बात हम नहीं कर रहे, AX7 की हम सारी बातें कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे इंजन की। आइए इंजन की अगर हम बात करें तो इस कार के अंदर 2.2 लीटर M-Hawk TGDI डीजल इंजन का यूज़ किया गया है, जो आपको पावर देगा 185 PS की, और आपको टॉर्क मिलेगा अगर आप लेते हैं मैनुअल तो आपको पावर मिलेगी 420 न्यूटन मीटर की, और अगर आप जाते हैं ऑटोमेटिक पे तो उस वेरिएंट में आपकी टॉर्क हो जाएगी 450 न्यूटन मीटर की। तो अच्छा खासा पुश देने वाली है गाड़ी आपको डीजल वेरिएंट के अंदर। और अगर आप इसमें लेते हैं पेट्रोल वेरिएंट को तो उसमें इंजन यूज़ किया गया है 2 लीटर एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन, जो आपको पावर देगा 200 PS और आपको टॉर्क उसमें मिलेगा 380 न्यूटन मीटर का। तो नो डाउट जो आपका डीजल इंजन है आपको ज़्यादा पुश प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन रिफाइंड अगर इंजन की आप बात करेंगे दैट इज़ पेट्रोल इंजन। अब बात करेंगे सबसे मेन पैरामीटर की, दैट इज़ आर सेफ्टी। इस कार के अंदर 7 एयर बैग्स हैं, चारों टायर्स में आपके पास डिस्क ब्रेक हैं, ABS, EBD, ESP इन सबसे लोडेड व्हीकल है ये, तो सेफ्टी के टर्म्स में यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और अब फाइनली बात करेंगे इस कार के प्राइस की। इसमें बेस वेरिएंट इज़ MX, उसके बाद जाता है आपका AX3, AX5, AX7, और उसमें भी आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, उसकी रेट लिस्ट है ये। That's it with XUV700, बहुत अमेजिंग कार है, मज़ा आ गया मुझे इसे देखकर। मैंने प्लान किया था कि XUV700 को बुक नहीं करेंगे, हम स्कॉर्पियो को करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा मूड मेरा डाइसी हो रहा है। तो अभी आई थिंक नेक्स्ट मंथ में मेरी थार की डिलीवरी है, वो वीडियो देखिए पहले आप, और फिर मुझे बताइएगा कि XUV700 भी हमें लेनी है या नहीं, तब डिसाइड करते हैं। वैसे यार सीरियसली अगर आप इस कार को परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो विदाउट एनी कन्फ्यूजन गो फॉर इट, बहुत अच्छी कार बनाई है, इंडिया मेड कार है, महिंद्रा ने नो डाउट कमाल किया है इस बार, और आप अगर इस कार को फिजिकली देखेंगे तो आपको इससे प्यार होने वाला है। तो चलिए अब आते हैं इसके ड्राइव वीडियो के साथ, 5-10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ मैं, फिर इस कार को रोड पर चलाएंगे, भगाएंगे और इसके अडास फीचर सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे 1x1। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव यू ऑल, बाय।